सब्सक्राइब ऑल कार्टून इंडिया फॉर कार्टून वीडियोस इन हिंदी। लगता है भविष्यवाणी सच होने जा रही है। लगता है आज की प्रैक्टिस यही खत्म करनी पड़ेगी। कोस्टरिका के आइलैंड से आ रहा है। बढ़िया, मैं तुम्हें वहाँ फौरन ले चलता हूँ। चलो शुरू हो जाओ। क्या तुम दोनों ये बंद करोगे? तुम्हारी मॉन्स्टर सूरज को कवर कर रहे हैं और मैं अच्छी तरीके से धूप नहीं ले पा रही हूँ। सॉरी टियारा, हम भविष्य में इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा। याद रखना, यहाँ पर मैं इंचार्ज हूँ। कैसे भूल सकती हूँ, तुम रोज याद दिलाती हो। ओके, इससे तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। इस बार वो हमने नहीं किया। कायरू का नया भंडार कोस्टरिका में पाया गया है। मैंने तुम तीनों को चुना है उसे हासिल करने के लिए। क्या तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि तुम अगर नाकाम रहे तो तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा? नहीं मास्टर लोकर, हम समझ गए। सब कुछ है, समंदर, जंगल, कायरू ऊर्जा, मच्छर भी। ज्वालामुखी भी है और देखा जाए तो वो अब भी एक्टिव है। ये गांव वोल्केनो के बिल्कुल नीचे क्यों बसाया गया होगा? तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मुझे खतरों से खेलना पसंद है, पर ये तो पागलपन है। उम्मीद है तुमने सीनरी के मजे ले लिए हैं, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियाँ बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। डायलॉग अच्छा था प्रिंसेस, तुम्हें क्या कहना है वो भी लोकार बताता है क्या? जो भी हो, हम तो यहाँ पर सिर्फ कायरू चुनौती के लिए आए हैं। मुझे लगा कभी पूछोगे ही नहीं, चुनौती मंजूर है। क्यों, तुम्हें मास्क चाहिए ना? वो हमारा है। मास्क? ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वक्त बहस करने का नहीं है, यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो जल्दी। फिक्र मत करो बूम, मास्क संभाल के। थैंक्स, पर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इतनी आसानी से हाथ नहीं आऊँगा। चलो हमें बूमर को वहाँ से निकालना होगा। Yeah.
बाकी लोग यहाँ नहीं है इसका मतलब ये मत समझो कि चुनौती खत्म हुई है। कॉज हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है। माया ने सही कहा है, इससे कुछ ठीक नहीं होगा। अपनी एनर्जी लड़ने में बर्बाद करने के बजाय हमें अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए। तुम बस इससे निकलना चाहते हो क्योंकि मेरी जीत हो रही थी। अगर तुम्हें उससे खुशी मिलती है कॉज तो बस तुम वही बोलते रहो, पर इस वक्त हमें साथ मिलकर काम करना होगा। साथ मिलकर हम ईटिंग पर कैसे भरोसा करें, खास करके इंपीरियस पर? खास करके इंपीरियस, इसका क्या मतलब हुआ? हम दुनिया की सबसे इज्जतदार टीम है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर हम अपने दोस्तों को कैसे बचाएंगे अगर ऐसे लड़ते रहे तो? वैसे तुम्हारी बात सही है, इसके अलावा एक असली योद्धा के साथ रहने से तुम दोनों का फायदा होगा। तुम लोग कुछ तो नया सीखोगे। हाँ, जैसे बर्दाश्त करना। चलो दोस्तों, मुझे लगता है वो इस तरफ गए होंगे। मदद के लिए थैंक्स योद्धाओं। प्लीज, मैं लीडर हूँ और मैं इस तरह के छोटे मोटे काम नहीं करती। कबूल कर लो कि तुम लोग मास्क हासिल करने आए हो, क्या तुमने उसे देखा है? मैं तो बस एक ही मास्क जानती हूँ और वो है माइक मास्क। दरअसल अगर वो होता तो मेरे काम आ जाता, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। जिस मास्क की मुझे तलाश है वो हमारे पूर्वजों का है। हमें विश्वास है कि उसमें हमें ज्वालामुखी से बचाने की शक्ति है, पर आखिरी बार ज्वालामुखी से हमें बचाने के बाद से वो गायब है। अगर वो मास्क इतना महत्वपूर्ण है तो मुझे यकीन है वही पर कायरू ऊर्जा होगी। बताने के लिए शुक्रिया, उसे तो हम ही हासिल करने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ हम लोग वहाँ जाकर गांव वालों को सबक सिखाते हैं। नहीं, नियम बहुत साफ है, सिविलियंस पर कोई हमला नहीं कर सकता। माया ने सही कहा, हमें गांव वालों का ध्यान पिंजरे से दूर भटकाना होगा ताकि हम। लगता है बस कहने की जरूरत थी और काम हो गया। ओ देखो, कॉप मुझे छुड़ाने के लिए आया है। वैसे भी मैं इससे तंग आ गई हूँ। फिक्र मत करो दोस्त, हम तुम्हें अभी बाहर निकालते हैं। जरा जल्दी करोगी प्लीज? मुझे नहीं लगता इन दोनों के साथ मैं और देर बिता सकूँगा। यहाँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एम्पीरियर, बाहर निकलो। पता था मुझे ईटिंग पर भरोसा नहीं कर सकते। ओ, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। अब इस जेल में अपनी छुट्टियां मनाना, हमें कायरू से भरा मार्ग ढूंढना है। हम तो चले। ज्वालामुखी हमारे यहाँ से निकलने के लिए रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक आइडिया है। वाह, तुमने कमाल कर दिया बूमर। हाँ, टीम में बॉडी बिल्डर का होना फायदेमंद होता है। शुक्रिया, अब चलो वो मास्क ढूंढते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कायरू से भरा होगा। अगर उन्हें मास्क मिल भी गया तो वो आइलैंड से बाहर नहीं जा पाएंगे। ज्वालामुखी फटकर सब कुछ तबाह होने से पहले हमें गांव वालों को बाहर निकालना होगा। हमारे पास मास्क होगा तो शायद वो हमारी बात मानेंगे। दोस्तों, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। यहाँ कायरू ज्यादा शक्तिशाली है और लगता है हमने इंपीरियस को पीछे छोड़ दिया। वहीं रुक जाओ। शायद तुम लोग जानते नहीं मेहमानों का स्वागत कैसे करना चाहिए। आखिरकार मिल ही गया, वो भी कायरू से भरा हुआ है। क्या तुम इसे 2 मिनट के लिए मुझे दे सकते हो? 2 मिनट के बाद इसे लौटा दूंगा। सच में मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब इसका जवाब ना है। अब हम इस मास्क की शक्ति से लोगों की जान बचा सकते हैं। प्लीज सुन लीजिए, मास्क ज्वालामुखी को पटने से नहीं रोक सकता। उसके पटने से पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। खामोश,
हमारी अब एक ही उम्मीद है कि इस मास का त्याग करके ज्वालामुखी से बचा जाए हमेशा के लिए। उसके साथ हमारी कायरो ऊर्जा भी गई, हमारा मिशन नाकामयाब रहा। लगता है हमारा लक जाग गया है, हमें लावा गिरने से पहले वो मास्क हासिल करना ही होगा। वो तो छोटी सी प्रॉब्लम है, ज्वालामुखी फटने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लगता है ये ज्वालामुखी हमारे साथ लुका छिपी खेल रहा है। हाँ ये क्या, हमारी रस्सियाँ जलने लगी हैं। लावा से बचने के लिए हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे बस में हो तो नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर ऐसे पकड़ के रखूंगा। और पता नहीं तुम्हारी नोक कितनी देर तक टिक पाएगी, उस पर ज्यादा वजन आ रहा है। मेरे पास एक तरकीब है। बूमर अपनी रस्सी जरा उस तरफ झुला के देखो। माया हमें भी उस तरफ जाना होगा। हम झूल रहे हैं पर हमें और ज्यादा पास जाने की जरूरत है। इसी बात शायद इसके लिए तुम्हें इनाम ना मिले, पर वाकई कमाल का काम किया है। चलो यहाँ से, ये जगह जरूर से कम ज्यादा ही गर्म है। पहले कायरो ऊर्जा निकाल लेते हैं, फिर सभी गांव वालों को इस लावा से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे लगता है कुछ अधूरा काम पूरा करना है। हम तुम्हें कायरो चुनौती दे रहे हैं और इस लड़ाई में विजेता जरूर होगा जो हम होंगे। सबक सिखाने का अच्छा मौका है, हमें चुनौती मंजूर है। हाय मिस्टर बोल बच्चन, देखते हैं तुम कैसे संभालते हो उसे।
आवाज मुझे मुझे तंग कर रही है। ये तो बहुत ही आसान था। तुम्हें लगता है ये उसके प्लान का हिस्सा है? उम्मीद तो यही है, पर अभी हमें क्या करना चाहिए? मैं अब वही हमले करूंगी जो मैं ठीक से जानती हूँ। प्रैक्टिस से सब सही। अच्छी चाल थी माया, पर नाकाम रही। तुम्हारी आखिरी खिलाड़ी ने भी मात खाई है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि विक्की पार्टी कैसे मनाई जाए। लगता है विक्ट्री पार्टी पर पानी फेरने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, या फिर कुछ ऐसे कि मेरा जाना भी शानदार हो। ब्लिज़र्ड एक्सेस। अब मैं और लड़ नहीं सकता। लेकिन सही मॉन्स्टर चुनने के भी अपने फायदे होते हैं, जैसे कि लावा से इम्यूनिटी या फिर ये गोल्डन टॉस। प्रैक्टिस का चुनाव आज के लिए बिल्कुल सही था। कायरू ऊर्जा अब हमारी है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज्वालामुखी सब कुछ तबाह करने वाला है। हमारे पास उतनी भी ऊर्जा नहीं बची कि हम इस ज्वालामुखी को फटने से रोक सके। जरूर है, हमें बस इस मास्क से ऊर्जा निकाल कर रिचार्ज होना है। पूरी तरह तैयार है ज्वालामुखी बंद करने के लिए, हमेशा के लिए। तो शुरू करें आइस फाइट। क्या बात है, ये काम कर गया। इसने मैग्मा को ठंडा करके सभी लोगों को बचा लिया। अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार था। पूर्वजों की भविष्यवाणी सही थी, इस पवित्र मास्क ने हमें बचा लिया है। हमें बचा लिया। अच्छा काम किया दोस्तों, उम्मीद है कुछ नए अटैक तोहफे में मिल जाएं। क्या बात है, साइस्मिक शेक इस्तेमाल करने में मजा आएगा। मैग्मा ब्लास्ट और मैग्मा मेज, ये दोनों तो बढ़िया अटैक हैं। और हमेशा उसका सही इस्तेमाल करने के लिए काफी तारीफ करनी होगी।